क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आओ फटाफट डायपर चेंज कराओ, नीचे चलना है ना। आओ हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और इस समय सुबह के 9:30 हो गए हैं। आज मुझे थोड़ा लेट हो गया सो के उठने में, मतलब ये है कि मैंने नहा लिया है, पूजा भी कर लिया है, बस मुझे नीचे चलना है चीकू को लेकर के। और ये देखो चीकू भी सो के उठ चुका है। ये देखो चीकू आया है, अपने आप आया आज। क्या बात है बेटा, इनकी जो ये रस्सियाँ हैं ना, बोलो गुड मॉर्निंग बोलो। मैंने आज शैम्पू भी किया है और नाश्ता आज मुझे बनाना नहीं था। देखिए चीकू आके मेरे मुंह को बंद कर रहे हैं। क्यों ना बोलूँ, ना बोलूँ? देखिए ये सब गुड मॉर्निंग नहीं बोलो। तो चीकू आ गया था, तो आज मुझे बनाना है केले का चिप्स। और आप लोग को मैं बताती हूँ केले का चिप्स मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत ही यम्मी लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। मतलब जैसे आप मार्केट का आलू का चिप्स खाते हो वैसे ही लगता है, चटपटा लगता है, चाय के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज मैं बनाऊंगी केले का चिप्स। और यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स जो हैं बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और बहुत स्वीट से हैं। तो कुछ खास नाश्ते में बनाना नहीं है क्योंकि आज सब फल खाएंगे, फल में खाएंगे पपीता। तो नाश्ता मेरे को बनाना नहीं था, तो इसलिए भी मैं आराम से सो के उठी हूँ ना। और केले के चिप्स की रेसिपी आप लोग के साथ में शेयर करूँगी कि मैं कैसा बनाती हूँ। तो मेरे यहाँ केला तो लगा ही था और वो केला गिर गया था नीचे, आंधी आई थी ना तो तूफान आया था तो उसमें वो नीचे गिर गया था। तो उसी को बना, चीकू मुझे देख देख के हंस रहा है तो उसी को बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स हम लोग नीचे आ गए हैं और चीकू बाहर अपनी गाड़ी में टहल रहा है। अभी जस्ट ही हम नीचे आए हैं और ये इसकी छोटी सिस्टर है, बाहर आई थी ऐसे ही कि मम्मा प्लीज़ वाईफाई ऑन कर दो, नेट ऑन कर दो। तो मैंने कहा ठीक है। अब इसके बाद इनकी दादी माँ, मतलब ये दादी नहीं बोलते हैं बच्चे मेरे, मेरे बच्चे माँ ही बोलते हैं मम्मी को। तो उनका फेस धुला रही हैं। और चीकू इस समय थोड़ा सा गुस्से में भी हैं क्योंकि इनको टहलाया भी नहीं जा रहा है और वही माँ पूछ रही हैं क्यों मुंह में उंगली डालते रहते हो, क्या दांत निकल रहा है क्या? तो मैंने कहा नहीं, मैंने कल चेक किया था कोई भी दांत नहीं निकल रहा, इनकी आदत सी हो गई है मुंह में हाथ डालने की। अब मैं चल रही हूँ अंदर किचन में और देखती हूँ क्या बनाना है। देखो ये चीकू देख, बहुत दुष्ट लड़का है, इधर देखो मुंह से निकालो, हाथ निकाल लिया, मुंह से हाथ निकालो, निकाल ले भैया, निकाल ले भैया, नहीं निकाल। वाह बिल्ली आई है, पूछी कैट आई है, चले पहले केला खिला देते तब उसके बाद बनाएं। कौन थे इसके चिप्स? तो इसको मेरे धुला अपने हाथों से, इसे ले चलो। तो डेटा खत्म नहीं करना, ओके। कपड़े लेके चल रही हूँ बाहर डालने, अभी मैंने कपड़े अपने नहीं डाला था। और यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और ये जो रूम है बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं, हॉल है इनका, कंप्यूटर भी यहीं पे है। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ, बड़ी बेटी जैसे मुझे देखी है कि मेरे हाथ में मोबाइल है तो वैसे उसने अपना मुँह ढक लिया है, उसने मना किया प्लीज़ मुझे ना दिखाओ। तो मैं चलती हूँ बाहर, तेज़ धूप है, बहुत तेज़ है। और ये कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में नहीं, हाथों से ही धुला है। रोज़ाना मैं नहाने के पहले अपने कपड़े धुल देती हूँ और जैसे जो धुलने लायक होते हैं हाथों से, क्योंकि मैं अपनी आदत नहीं ख़राब करना चाहती हूँ। और आप सब देख रहे हो कितनी तेज़ धूप हुई है, बहुत तेज़ धूप है। और जो मतलब चद्दर होती है, टॉवल होता है, वही मैं वॉशिंग मशीन में धुलती हूँ। तो चलते हैं अंदर, बहुत तेज़ धूप है बाहर, बहुत तेज़ धूप है, बहुत ही तेज़ धूप है। मैंने सब्जी काट के रख दी है, मैं पी लेती हूँ नींबू पानी। और सुबह ही मैंने एलोवेरा आंवला जूस पी लिया था, इसे मैं नींबू पानी पी रही हूँ। और यहाँ देखिए मैंने सब्जी भी फ्राई कर दी है, मतलब छौंक दी है, बस पकने वाली है, परवल की भुजिया बना रही हूँ। तो चलिए केला लाते हैं स्टोर रूम से। तो ये देखिए स्टोर रूम है और यहाँ केले रखे हुए हैं जो आंधी में गिर गया था, आधा से ज़्यादा, मतलब आधा मम्मी दे चुकी हैं। काफ़ी लंबा था, काफ़ी बड़ा था ये केला, जो भी आप लोग बोलते होंगे। तो ले चलते हैं बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक भगोने में पानी और नमक डाल दिया है और जितना मुझे चिप्स बनाने हैं उतने मैंने केले ले आए हैं। और इसे पहले धुल लेते हैं, अभी मैंने इसे धुला नहीं है, धुल के साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए धुल के साफ़ कर लिया है।
अब इसे हम फटाफट छील लेते हैं, क्योंकि केले को छिलके ही चिप्स बनाएंगे ना। तो केले को छिल छिल के मैं जो पानी लिया है भगोने में, पानी और नमक है उसमें डालती जाऊंगी, और उसके बाद फटाक से हम चिप्स बना लेते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। वैसे केले के पकौड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं, और शाम को केले के कोफ्ते भी बनाएंगे। यार ये पकाया कैसे जाता है ये तो मुझे पता है, फिर भी जो इसमें केमिकल मिक्स करते हैं इस पे डालते हैं पकाने के लिए, वो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं केले को पका नहीं रही हूँ। ऐसी सब्जियों में यूज हो जाएगा और लोगों को बांट दिया जाएगा। केला काफ़ी अच्छा है, ये देखो मम्मा, मतलब मेरी मम्मी देख रही होगी लखनऊ में जो है। तो ये देखिए मम्मी, आप बोल रहे थे ना कि केला काफ़ी अच्छा होगा, तो हाँ ये देखिए। तो आपको भी केला बहुत पसंद है, मतलब मेरी मम्मी को केला बहुत ज़्यादा पसंद है, केले के पकौड़े उन्हें बहुत पसंद है, और मेरे पापा को भी इसकी सब्जियाँ बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने सारे केले को छिल दिया है, और इसके बाद चलिए चिप्स काट लेते हैं। तो जो चिप्स मैं काटने जा रही हूँ लंबे लंबे काटूँगी पहले, जैसे आपको बता दूँ, आप लंबी चिप्स काटना चाहोगे तो लंबे भी काट सकते हो। तो थोड़ा सा मैं लंबे काट के ट्राई करती हूँ, वैसे मैं गोल ही चिप्स काटती हूँ केले के। तो इसे अब हम फ्राई कर लेते हैं फटाफट, मतलब काटने के बाद। और यहाँ मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, और ये कढ़ाई आप पहचानते ही होंगे, क्योंकि ये जो कढ़ाई है ना 16-17 साल पुरानी कढ़ाई है। मुझे भी नहीं मालूम था, जब मैं इस घर में नहीं आई थी तब से इस कढ़ाई को यूज हो रहा है। ये नॉन स्टिक कढ़ाई थी, और आज देख लो दादी अम्मा सब बन चुकी है। तो ये कढ़ाई मुझे बहुत पसंद है, मैं इसी में फ्राई करती हूँ। तो जब ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो सारे केले इसमें हम डाल देंगे, और गैस को फुल ही रखेंगे, फिर धीरे धीरे हम गैस को स्लो कर देंगे, और इसे हम ब्राउन होने तक पका लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे हल्दी भी डाल सकते हो ऑयल में, वो अभी मैं डाली नहीं, थोड़ी देर बाद मैं हल्दी डाल दूँगी, जैसे जो चिप्स हमारे जो कलर है ना काफ़ी अच्छा आ जाता है। और इसे पकने में कम से कम एक बार, ये चिप्स पकने में कम से कम 10 मिनट ये 8 मिनट तो लग ही जाता है, तक ये हल्का ब्राउन हो रहा है। बीच बीच में इसे मैं हिलाती रहूँगी। इसके बाद मैं गोल चिप्स भी काट लेती हूँ, और यहाँ पे देखिए 6-7 मिनट हो चुके हैं, और भी इसको हल्का सा ब्राउन करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे ये जो चिप्स हैं बन चुके हैं, तो यहाँ देखिए मैंने गोल चिप्स भी काट लिए हैं केले के गोल गोल। अब इसे निकाल लेते हैं, अब उसे डाल देते हैं, और ये जब तक फ्राई हो रहा है तब तक और भी जो केले हैं उसे भी मैं काट लेती हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगी इसमें आप क्या मिक्स करोगे जिससे और भी चटपटे लगेंगे। तो सब मैं फ्राई करके निकाल लेती हूँ, तब तक आप भी इंजॉय करो, देखो कैसे केले के चिप्स लग रहे हैं और यम्मी लगते हैं, एक बार ट्राई करना ज़रूर आप। तो आज मैं अपने स्किन के कुछ राज बताने वाली हूँ जो लास्ट में बताऊँगी। कुछ कमेंट मुझे आए थे और मुझसे पूछा गया था कि आप क्या यूज करते हो अपनी स्किन के लिए, फुल बॉडी पे, सोप में यूज नहीं करती हूँ, तो आज मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो में आप बने रहिएगा अगर आप जानना चाहते हो कि मैं क्या यूज करती हूँ। और यहाँ मेरी सब्जी लगभग पकने ही वाली है, और यहाँ मैंने गोल चिप्स जो काटे थे उसे भी डाल दी हूँ, इसे भी फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इधर मैं रोटियां भी सेकने लगी थी, क्योंकि टाइम हो गया था रोटियां बनाने का, समय 12:30 बज चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पे मेरी रोटियां भी सेक चुकी हैं, मैंने रोटियां भी बना ली है। अब यहां मैं, चलिए इसमें मिक्स कर लेते हैं मसाले, और ये सारे मेरे जो केले थे चिप्स फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं यहां डालूंगी चाट मसाला लगभग 2 बड़े स्पून, और इसमें मैं डालूंगी नमक स्वाद के अनुसार आपको डालना है, और ब्लैक पेपर, मेरी बेटी बोली है तो ब्लैक पेपर भी थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। लाल मिर्च पाउडर मेरे पास नहीं है, तो आपके पास हो तो आप उसे भी डाल दीजिएगा, जिससे कलर देखने में काफ़ी अच्छा आएगा। तो इन सबों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे आप स्टोर करके रख सकते हो, और जब भी आपको चाय पीते हो, जब भी आपको कुछ खाने का मन हो रहा हो तो आप इसे खाओगे, तो आपका फैट भी नहीं ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे आलू के चिप्स खाने से फैट बढ़ता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए सबको दे देते हैं, फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। क्या हुआ, आज हम दोनों मैचिंग मिलाए ना चिकू? चिकू भी व्हाइट पहना है, मैं भी व्हाइट पहनी हूँ, और हम दोनों ने मैचिंग मिलाया। क्यों चिकू, अपनी टी शर्ट दिखा दो, आ जाओ। चिकू ने भी खाना खा लिया और मैंने भी खाना खा लिया, और इस समय बज रहा है 2:30 हो रहा है, टाइम हो रहा है सोने का टाइम है। चिकू सोना है कि नहीं? पता नहीं सोना है कि नहीं, सोना है ऐसे। आइए इधर आइए, चला इधर आओ, इधर आओ, बताओ, यहाँ मेरी तरफ आओ, ये लो आओ। अच्छा लाते हैं ना, ये देखिए
क्यों उधर देख रहे बेटू, हम चला रहे थे, आप क्या देखोगे बताओ, कौन सा देखोगे, सो कि नहीं क्या बेटा, टाइम हो रहा है सोने का, हंसी आ रही है इनको, देख लो इनको हंसी आ रही है, ये देखना है, बोलो। और आप लोग जरूर बताइएगा चिप्स कैसे लगे, ठीक है, कमेंट करके मेरे को बताइएगा। और इसमें बज रहे हैं ना, 2:30 बज चुके हैं और हम चिकू सोएंगे, इसमें कौन सा देखा, देखिए कितना प्यार से लेटा है मेरा बच्चा, आज हम दोनों ने मैचिंग मिलाई है ना चिकू, मम्मा किसी कर लो, किसी कर लो मम्मा को, कर लो, कर लो मम्मा किसी, भाग गया, शर्म आ गए इनको, शर्म आ गए। और उसके बाद मैं चलूंगी सोऊंगी यार, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और मुझे अभी एक वीडियो भी एडिट करना है, और मैंने कुछ मंगाया है ऑनलाइन, वो आ गया अभी नीचे ही है, क्योंकि थोड़ा टाइम बाद वो नीचे ही रहेगा, अभी बाहर ही है, कल मैं उसे ऊपर लाऊंगी, और जब लाऊंगी तो दिखाऊंगी मैंने क्या मंगाया है। चीकू की वजह से मुझे मंगाना पड़ा है, थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि चीकू को पता है ना आप लोग कि कमरे का बुरा हाल कर देता है, खासतौर पर बेड का, तो कुछ ऐसी चीज़ें मंगाई हूँ जिससे मेरा रूम भी गंदा नहीं लगेगा, मतलब थोड़ा ठीक लगेगा, तो अभी नीचे ही है, ऑनलाइन मैंने मंगाया था अमेजोन से। तो चीकू, और शाम को बनाऊंगी डिनर में ना केले के कोफ्ते, और जो आपने केला देखा है ना उसमें से मम्मी और लोगों को दे भी देंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होगा इतना सारा, काफ़ी ज़्यादा है। और मेरे कुछ फ्रेंड ने मुझे कमेंट करके पूछा था, दी आप सोप का यूज करते हो, तो जी नहीं, मैं सोप बहुत कम यूज करती हूँ, और फुल बॉडी पे भी मैं यूज नहीं करती हूँ, मतलब वीक में 2 बार मैं बॉडी वॉश का यूज करती हूँ सिर्फ। और वैसे तो मैं रोजाना जो मैं किससे नहाती हूँ ये भी आप जानना चाहोगे, तो मैं बेसन का यूज करती हूँ, बेसन हल्दी से मैं अपने पूरी बॉडी पे लगा करके मसाज करके, मतलब जैसे फेस वॉश करते हैं बेसन से, वैसे मैं अपने हाथ पैर नेक पे यूज करती हूँ, एक दिन गैप करके। और वीक में 2 बार मैं स्क्रब करती हूँ फुल बॉडी का, स्क्रब वही करती हूँ जो आप लोग के साथ मैंने शेयर किया है कई सारी वीडियो में, यही सब करती हूँ मैं, सोप बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि ना हल्दी मैंने मिक्स करके अपने बाथरूम में रख लिया है, और साथ में लेती हूँ पूरे बॉडी पे लगा करके अच्छे से मसाज करके नहा लेती हूँ, तो इससे स्किन की जो डेड स्किन होगी वो निकल जाती है, और स्किन हमारी काफ़ी क्लीन हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। और सोप बिल्कुल भी मैं यूज नहीं करती हूँ, चीकू कुछ भी नहीं पहना, ढंगू श्रीम शिव, यो क्या बोलेंगी, और अच्छा नो नो, देखो इसकी गंदी आदत है, मम्मा का बल्लू क्या करेगा, अच्छा आओ लगा देते, आओ देख रहे हो क्या कर रहे हैं, क्या है बोलो, इनके मुंह में ना यही सब रहता है, ये बहुत गंदी आदत है इसकी, बहुत पता नहीं कैसे छूटेगी, निप्पल तो इसकी छूट गई, जो निप्पल मुंह में डाल रहा था वो छूट चुकी है, और ये नहीं, लेटा आप चल रही, इसको सुलाऊंगी मैं, और लेटा है आप जाकर के लेट गया, ऐसे चल रही लाने, मैंने सोचा था आज आप लोगों को मैं अपनी फ़ोटो दिखाऊंगी शादी के पहले, बचपन की भी फ़ोटो दिखाऊंगी, मगर हो नहीं सका चिकू की वजह से। और यहाँ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आप मेरे ब्लॉग देखना पसंद करते हो, मुझे देखना पसंद करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और चलती हूँ फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तो आप अपना ख्याल रखिएगा। तो ये जो टाइम है ना सबके लिए बहुत ही बुरा टाइम है, बस किसी तरह ये टाइम निकल जाए, फिर पहले वाले दिन वापस आ जाए हम लोग के। जब भी शाम को मैं दिन में न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ, जब शाम को मैं न्यूज़ देखती हूँ तो बैठी रह जाती हूँ, इतना मतलब न्यूज़ में देख देख के, मतलब हम लोग अपने घर में कितने सेफ हैं, और जो बाहर जनता है मतलब मजदूर खासतौर पर बेचारों का क्या बुरा हाल है यार, क्या हुआ, ठीक है चलते हैं।